और अब बात करते एक बड़ी खबर की। नीट परीक्षा पर एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान ब्यौरा मांगा था, जिसके बाद एनटीए ने आज कोर्ट में अब तक के एक्शन की जानकारी दी है। एनटीए ने बताया कि पेपर ले जाने के दौरान एक सेट पेपर लीक हुआ, जिसके जरिए लीक हुआ उस तक पहुंच गए। मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ छात्रों के परिणाम पर रोक लगाई गई है, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है कि बताएं क्यों ना उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए। मामले की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई है। इन तमाम बातों का जिक्र हलफनामे में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हलफनामे में इन तमाम जानकारियों को मांगा था, जिसके बाद एनटीए की तरफ से हलफनामा दाखिल कर ये जानकारियां उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, अभी सीधे तौर पर जो एनटीए की तरफ से जवाब दाखिल किया गया है उसमें नीट के इपिक सेंटर को पटना और झारखंड बताया गया है, और ये कहा गया है कि जितने इस मामले में गिरफ्तारियां की गई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई एनटीए के द्वारा की गई है। जितने ऐसे लाभार्थी आइडेंटिफाई किए गए थे जिनको नीट की परीक्षा से फायदा हुआ है उनके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात एनटीए ने अपने इस पूरे हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताई है, और ये कहा है कि जो याचिकाकर्ताओं के द्वारा सवाल उठाया गया था कि बड़े स्तर पर ये पूरा परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कुछ सेंटर पर पेपर लीक की घटनाएं हुई थी जिसको लेकर तुरंत कार्रवाई की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहा गया है कि जो सार्वजनिक हित के नुकसान ना होने को लेकर बातें कही जा रही थी उस पर एनटीए ने कहा है कि परीक्षा को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट विचार ना करे, क्योंकि जिन सेंटर पर परीक्षा लीक होने की बात कही गई थी उस पर तुरंत कार्रवाई की गई है। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको फायदा पहुंचाया गया था, उनको उनकी परीक्षा को रद्द किया गया है, उनके रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बड़ा सवाल मामले में एनटीए की तरफ से यह भी कहा गया है कि परीक्षा को सुप्रीम कोर्ट रद्द ना करे। अब ऐसे में यह देखना है कि एनटीए के इस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट कितना संतुष्ट होता है, ये देखने वाली बात भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कई तीखे सवाल किए थे। पहला सवाल अमित एनटीए के द्वारा एनटीए से यह पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रश्न पत्र जब छापे जाते हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एनटीए क्या करता है, दूसरा कि अगर एनटीए के अधिकारी इस मामले में शामिल है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस हलफनामे में इन दोनों पहलुओं पर फिलहाल एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट एनटीए के इस हलफनामे से संतुष्ट हो। लेकिन देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले पे सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।